पंजाब दा किसान मुख तौर ते रवायती फसलां ते ही निर्भर रहिंदा है। पर इस विचकार कुछ अजिहे किसान भी ने जिहड़े कि कुछ वक्रा करन दी सोचदे ने ते रवायती फसलां दे चक्करां चों बाहर निकल के नवेकले कदम चुक रहे ने। अजिहा ही जिला गुरदासपुर दे पिंड वड्डे घुम्मण दा रहिण वाला किसान शेरे पंजाब सिंह कालों है, जिहड़ा कि पिछले 7 सालां तों स्ट्रॉबेरी दी खेती कर रिहा है अते चंगी आमदन वी कमा रिहा है। इस मौके दे उते गलबात करदिआं किसान शेरे पंजाब सिंह ने दस्या कि 7 साल पहलां उन्होंने कुछ वक्रा करन बारे सोचिआ ते फिर उन्होंने एक प्रोफेसर दे कोलों इसकी सारी जानकारी हासिल कीती ते इसका काम भी शुरू कीता। उन्होंने दस्या कि स्ट्रॉबेरी दे बूटे खरीद के उन्होंने फसल की शुरुआत कीती सी, पर शुरुआती मुश्किलां काफ़ियां देखने को मिली ते शुरुआत दौर दे विच घाटा भी पिया, पर हौली हौली उन्होंने मेहनत की ते इसे धंधे दे विच कामयाबी भी हासिल की ते अज ओ एक चंगी आमदन कमा रहे ने। सर एक्चुअली 2002 दा ये आइडिया सी मेरे दिमाग च, पर प्रॉपर मैनू गाइडेंस नहीं सी हैगी, प्रॉपर मैनू पता नहीं सी काम की शुरुआत कित्थों करनी है, सो इस करके थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैनू प्रॉपर मैं इहदी नॉलेज लई और 2014 दे विच मैं शुरुआत की सी इहदी, और इहदी शुरुआत करन दा कारण इदां बणिया कि मेरे लागे ही एक मैडम अमरजीत कौर ने और वो खालसा कॉलेज 'च प्रोफेसर लगे ने और वो हॉर्टीकल्चर नूं डील करदे ने और वो बच्चों को ट्रायल लवाउंदे सी स्ट्रॉबेरी का। मैं उन्होंने कोल गया, उन्होंने को प्रॉपर नॉलेज ली कि स्ट्रॉबेरी की शुरुआत करनी किदां करां ते कित्थों करां। उन्होंने फिर मैनू एक रैफरेंस दित्ती सी कपूरथले डिस्ट्रिक्ट दे विच, एक सवाल पिंड आउंदा उत्थे, एक हरजिंदर सिंह जी होनी है, वो स्ट्रॉबेरी का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, सुखजिंदर सिंह होनी स्ट्रॉबेरी का काम कर रहे हैं और पंजाब सरकार वालों उन्होंने सम्मानित भी किया गया सी। मैं फिर उन्होंने पिंड गया, उन्हों को प्रॉपर नॉलेज ली, गाइडेंस ली, उन्होंने को प्लांट ले और फिर स्लोली स्लोली इंडिपेंडेंटली जो मैं खुद ट्रेंड हो गया ये काम से पूरा, फिर मैं इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिता अपने लैवल। सर ये टोटल जो स्टार्टिंग की थी उदो मैं 2 कनाल तू की और 7,000 प्लांट से मेरे को, हूँ हौली हौली जी मेन प्रॉब्लम ये आँगी कस्टमर की कि तुम प्रोडक्शन उन्नी करो जिन्हें तुहाडे को कस्टमर है, क्योंकि यदा मुल सही नहीं पैंदा मंडियां दे विच जां दुकानां दे विच। सो फिर मैं अपने कस्टमर तैयार किए जिहड़े इहनूं लाइक करदे इहनूं खांदे ने, स्लोली स्लोली फिर मैं इहदा हौली हौली दी मैं प्रोडक्शन जिहड़ी वधाई, हुण मेरे को 1/2 किला है और कोई नीयर अबाउट 14-15 हज़ार प्लांट है मेरे को। सर जे पैसे बचण की गल करिए, पहले तो मैं बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि 7 साल पहला तो बहुत घट लोगों को ये बारे पता से स्ट्रॉबेरी बारे, हुण लोगों को जागरूकता पैदा हुई है, हुण पता लग गया तो हुण लोग इहनूं खांदे भी, इहदा टेस्ट खट्टा मिठा, सो जिहड़े खांदे आ बहुत लाइक करदे ने, सो हुण काफ़ी कस्टमर मेरे बन चुके हैं। और जिथे तक आमदन की गल है तो काफ़ी घाटे खाधे मैं स्टार्टिंग दे, काफ़ी मैं नुकसान झलना पाया, पर हूँ मैं अपने वाधे वाल जा रहा, मतलब मैं पता लग गया कि इन्हूं बेचना किदा और ये प्राइज़ की है। अजे भी प्राइज़ उन्ना नहीं मिल रहा जिन्ना होना चाहिए क्योंकि 50 रुपीज़ का पैकेट विक रहा, सो 50 रुपीज़ का पैकेट के नाल जिनी तो लागत होंगी वे हिसाब ने घट्टो घट 80-90 रुपये का एक पैकेट जाए तो फिर बहुत कुछ तुम मतलब कि ओके करके जाती। फिर देखो एग्रीकल्चर वालों जो गल करिए तो एग्रीकल्चर सरकार की गल करिए शुरू तो ये किसानों के फेवर च नहीं रहे ना, इन्होंने कभी किसानों लिए कुछ किया, जे किसानों लिए इन्हें कुछ किया हों तो मैं नहीं समझता साढ़े अज किसान दिल्ली से बैठे होंगे तो 400 तो उत्ते साढ़े किसान शहीद हो जाते। सो ये सारी सरकार की मिली भुगत है, जो भी इतने करना पेगा किसान आप करना पेगा जिन्हें चर तक किसी असं अपने सारे हक जां अपने राइट नहीं लै लेंगे सरकार। देखो जो सीजन चल जाता उस तो बाद फिर हूँ इतने झोना लग जाना जो सीजनल चलता, तो कणक के सीजन से स्ट्रॉबेरी चलती है, जो आप कणक बीजनी होंगी उदों स्ट्रॉबेरी लग जाती है और जो स्ट्रॉबेरी खत्म होती फिर झोने का सीजन शुरू होता फिर आप इतने झोना ला लेंगे। मेरी कोशिश हमेशा रही कि मैं ऑर्गेनिक तरीके यूज़ करो और मैं ऑर्गेनिक तरीके ही यूज़ कर रहा क्योंकि मेरा जरा यह काम का शौक आ, मेरा शौक का काम है कि मैं शौक लिए काम कर रहा पैसे कमाने लिए महल खड़े करने नहीं कर रहा। जो बंदा काम शौक लिए करता तो फिर कोशिश करता कि बेस्ट चीज़ जी मार्केट में जाए और लोगों तक पहुँचे। देखो मैं बाकी जिमीदारों तो यो संदेश देव कि सारे जने कोई ना कोई उपराला करते रहन, वो कोई डिफरेंट काम करने, इस कणक झोने तो सूँ बहर होना पैना क्योंकि जो सरकार की नीतियां ने साडे किसानों के प्रति मैनू नहीं लगता कि आप जो एको चीज़ स्टेबल रहोंगे तो साडा कोई फायदा होगा। सो हर किसान चाहिए, मैं नहीं कहता कि स्ट्रॉबेरी बल्कि बहुत सारे फ्रूट ने, अनेक तरह के फ्रूट ने और कई तरह सब्जियां ने, जिथे जिन्हों जिदा सही लगता वो उस काम जरूर अपनावे और उस काम करने की कोशिश करे। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਸਰਾਉਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।